हैबिट्स क्या होती हैं? देखें, इसमें एक तो हैबिट्स का उसमें ये कहने के कंसिस्टेंट होते हैं, उसमें वो हार्डवर्किंग होते हैं, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड ऐसा होता है कि बहुत साउंड होता है। अब मैं ये दो तीन क्वेश्चंस ना बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आपसे भी करते होंगे कि सर कितना टाइम पढ़ना चाहिए, कितने और स्टडी करनी चाहिए, और कि मैं बिगनर हूँ, मैं किसी एकेडमी में नहीं गया तो क्या। तो देखें, अगर आप ये क्वेश्चन मुझसे कोई स्टूडेंट करता है कि सर वो एक किसी ने सीएसएस क्लियर किया था, उन्होंने कहा कि आई यूज़ टू स्टडी 18 आवर्स इन अ डे, तो मैं तो फिर इस पे कहता हूँ कि उनको नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए कि उनका माइंड न्यूटन या आइंस्टाइन से भी ज़्यादा वर्किंग कर रहा है, कि वो 18 आवर्स तक साउंड वर्किंग करता है। तो देखें, ये बड़ी एबनॉर्मल मैं टॉक्स कहता हूँ इनको, तो कि इस तरह की आप बातें करें जो बिल्कुल अनरियलिस्टिक हैं। तो आपका हर कैंडिडेट का, हर एस्पायरेंट का ड्यूरेशन जो है पढ़ने का, या रिटेंशन पावर, फोकस पावर, वो डिफरेंट होगी। तो इट डज़ंट मैटर कि आप 18 घंटे पढ़ते हैं या 10 आवर्स पढ़ते हैं या 6 आवर्स पढ़ते हैं। जो चीज़ मैटर करती है वो ये करती है कि आप कितने जब पढ़ रहे हैं तो आप क्या फोकस्ड हैं, आप क्या उसको रिटेन कर रहे हैं। और उसमें अब देखें, आप मैं दिन में 10 आवर्स लिया रेगुलर बेसिस पे बुक या नोट्स अपने ओपन करके बैठा हूँ और उनको मैं पढ़ रहा हूँ, और मेरे माइंड में ये चल रहा है कि PSL का मैच है, तो उसमें अभी पता नहीं कराची टीम ने कितना बनाया या मुल्तान सुल्तान ने कितना बनाया, या अभी वर्ल्ड कप का मैच है, बाबर अभी आउट हुआ या नहीं हुआ, तो इट्स बेटर कि मैं उस टाइम जो है ना स्टडीज़ को छोड़ के पहले नेट या टीवी पर या न्यूज़ को उसको देख कर उसके बाद मैं स्टडी करूँ, कि जब मेरा माइंड रिलैक्स हो। तो जब आप पढ़ें तो आप फोकस्ड हो। अब हर किसी, कुछ स्टूडेंट्स हैं वो लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, मैं पर्सनली मैं लाइब्रेरी में, मुझसे नहीं पढ़ा जाता था, तो मैं बिल्कुल अपने रूम में आइसोलेशन के, कोई और मुझे आहट ना सुनाई दे, और बस मैं पढ़ता था अकेला। तो कुछ लोग हैं वो ग्रुप स्टडी में पढ़ते हैं, तो इट डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि उनकी क्या गोल्स हैं। बट जो कुछ चीज़ें कॉन्स्टेंट हैं वो आपकी कंसिस्टेंसी है कि आप रेगुलर रहें, कि ये नहीं है आप 5 दिन पढ़ते हैं, 5वें दिन आपको ख्याल आता है कि यार मेरी किस्मत में तो नहीं है, मैं तो अपना टाइम ज़ाया कर रहा हूँ। दुनिया में कोई भी चीज़ जो बड़ी आपने अटेन करनी होती है, या अगर आपने कुछ अच्छा या कुछ भी बड़ा करना है, तो उसकी कॉस्ट होती है। तो कॉस्ट यही है कि जिस टाइम आपको ऐसे इवल थाट्स आएँ कि आपको लग रहा हो कि मैं तो यूज़लेस हूँ, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो आप उस टाइम थोड़ा सा अपने माइंड को फ्रेश करें। किसी भी तरह आप नमाज़ पढ़ते हैं, आप कुरान पढ़ते हैं, आप सॉन्ग सुन लेते हैं, आप वॉक कर लेते हैं, आप जिम कर लेते हैं, ये आप इट्स पर्सनल चॉइस के जो भी आपकी हॉबी है, और उसके बाद दोबारा फोकस्ड होकर जो है आप उसको स्टडी को करें। और ये जो बात है कि 2 मंथ्स में प्रिपरेशन की, 1 मंथ में प्रिपरेशन की, तो देखें उन वो अगर कोई मतलब इस तरह के स्टेटमेंट्स हैं, तो उसमें ये भी मैटर करता है कि उन स्टूडेंट्स का एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है। वो 1 मंथ इधर तो ठीक है, वो 1 मंथ कह रहे हैं, बट थ्रू आउट देयर कैरियर उनकी डिग्रीज, उनके सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि जो उन्होंने बचपन से पढ़े हैं, उनके फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनकी स्कूलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उनके पेरेंट्स ने उन पर खास फोकस किया है। तो ये भी फैक्टर्स हैं जो करते हैं। बट अगेन लास्ट में कि CSS जो है ना, इट इज़ एन ईजीएस्ट एग्जाम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। आपने कभी नहीं सुना होगा कि FSC प्री मेडिकल में किसी स्टूडेंट के 600 मार्क्स हों, वो किंग एडवर्ड में या किसी मेडिकल कराची में JPMC में उसका एडमिशन हो गया हो। बट और इसी तरह किसी ने इंजीनियरिंग में उसके FSC में 600 या 500 मार्क्स हैं, उसका इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में UET में उसका एडमिशन हो गया हो, तो उसमें। बट इन CSS, इवन इफ यू आर बी ग्रेडर, इवन आपके 60% स्कोर था, थ्रू आउट कैरियर आपने कभी कोई डिस्टिंक्शन नहीं ली, ये सिर्फ 12 एग्ज़ाम्स हैं जिनको आपने फोकस्ड होकर अगर आप प्रेपरेशन करेंगे, तो कोई आपसे नहीं पूछेगा कि वेदर यू आर फ्रॉम एरिस्टोक्रेटिक फैमिली बैकग्राउंड और आप किसी पुअर फैमिली बैकग्राउंड से हैं, वेदर यू आर फ्रॉम थरपारकर सिंध डेजर्ट एरिया और यू आर फ्रॉम इस्लामाबाद F6, आपकी कास्ट क्या है, आपका सेक क्या है, आपकी स्कूलिंग HSN से है या आपकी स्कूलिंग किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी से है। तो एट द एंड आपका जो स्कोर है वो मैटर करेगा। यहाँ पे बहुत ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट्स हैं जो टॉपर्स हैं वो फेल हो जाते हैं, और यहाँ पे बहुत ऐसे हैं कि जो बैकवर्ड एरियाज़ में जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ से भी वो डिस्टिंक्शन ले जाते हैं। तो जो मेन चीज़ मैटर करती है वो आपकी कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट, आपकी डिवोशन। और वो आजकल एक रिसेंटली मैं एक सीरीज़ देख रहा था 12 फेल, तो उसमें भी एक वो जो कैन जो अभी इंडियन पुलिस सर्विस में एलोकेट हुए, तो उनकी स्टोरी एक बड़ी मतलब एक रियल टाइम में इंस्पिरेशनल है। हमारे खुद एक पुलिस में DPO साहब हैं पंजाब में, रिमेन पोस्टेड इन राजनपुर, तो उनकी वीडियो भी, उनका इंटरव्यू वायरल था, जिसमें उन्होंने खुद बताया प्राउडली, नॉट के वो कोई अपोलोजेटिक होकर या कोई इन्फ्रॉरिटी कॉम्प्लेक्स का, कि आई यूज़ टू पॉलिश शूज़,
आई यूज़ टू डू मेनियल वर्क्स, मैं चाय स्टॉल पर वेटरी करता था और मैं पैसे नहीं होते थे, बट ही वर्कड हार्ड एंड अल्टीमेटली ही लैंडेड इन पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान. इवन माई वन बैच फेलो बिलाल पाशा, हु अनफॉर्चुनेटली हु हैज़ कमिटेड सुइसाइड, ही वॉज फ्राम वेरी हम्बल फैमिली बैकग्राउंड. और बहुत से मेरे बैच फेलोज हैं जो आप जिनको आई पर्सनली नहीं हूँ कि उनका कोई फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं था, उनकी स्कूलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, बट अल्टीमेटली उनका एक विल थी, एक उनकी हार्डवर्क थी कि उन्होंने अपने आप को इस मुकाम पर पहुँचाया.